मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में एकत्रित हुए पैसे का पूरा हिसाब किताब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें कितना पैसा एकत्रित हुआ है तथा कितना पैसा कहां खर्च हुआ है इसका पूरा ब्योरा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने ये बात हाल ही में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जाने पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि जिसे इसकी जानकारी चाहिए वे वहां से इसकी जानकारी ले सकता है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना व सूखे की स्थितियों का सही आंकलन करने के लिए वे स्वयं हर जिला में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बारिश कम होने की वजह से कई पेयजल स्कीमें प्रभावित हुई हैं, लेकिन अभी तक पानी का संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं और जिन पेयजल स्कीमों में पानी की कमी हुई है उन्हें सरप्लस स्कीमों से इंटर सेलेक्ट कर पानी मुहैया करवाया जाएगा और जहां पर हैडपंप लगाने की जरूरत है वहां पर हैडपंप लगाए जाएंगे। इसके लिए पैसे का पूरा प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए टैंकर भी लगाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता लोगों को कोविड संक्रमण से बचाने की है और इसके लिए प्रदेश सरकार सारे प्रबंध कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिला के हिसाब से वहां पर बेड की व्यवस्था सहित अन्य प्रबंध कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल आर्थिकी प्रभावित होती है बल्कि लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश में बंदिशों को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के बॉर्डरों को सील किए जाने की संभावनाओं को फिलहाल खारिज किया है तथा कहा कि इससे आवागमन करने वालों को खासी मुश्किलें होती हैं और प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को ऐसी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सूखे से हुए नुकसान का सही आंकलन करने के कृषि व बागवानी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार से सूखे से आर्थिक मदद की मांग की जाएगी। वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। वैक्सीन का शेड्यूल हमारा बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सर, सूखे के लिए भी क्योंकि इस बार बारिश बहुत कम हुई है, सूखे के लिए कुछ प्लानिंग आपने की? सूखे का ये दौर चल रहा है। अभी तक हमने यही कहा अधिकारियों की, एक तो फील्ड की असेसमेंट, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ, उसकी असेसमेंट हमारे पास आया ताकि हम केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकें। दूसरी, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हमारी हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित हुई हैं, उन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हमने कहा है कि डिपार्टमेंट को जहां इंटरलिंक उन स्कीम्स के माध्यम से उसकी वाटर सप्लाई हम जो है सुनिश्चित कर सके तो वो करें। और उसके अतिरिक्त जो है, कहीं अगर ऐसा लगता है कि कुछ एरिया में राशनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें उस पर भी विचार कर लिया जाए। अगर फैट ऑल वो सिचुएशन आती है जहाँ हैंडपम्प से हम दे सकते हैं, हैंडपम्प लगाने के लिए इजाज़त दे दी गई है, बजट का प्रावधान उसके लिए कर दिया गया है, और लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास ये होता है कि टैंकर्स के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाना, अगर वो आवश्यकता होगी तो उस पर भी काम करेंगे। आखिरी सवाल है, जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि जो पिछले साल फंड इकट्ठा हुआ था कोविड के लिए उसको पंजाब की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह ने सार्वजनिक किया है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक है और ऑनलाइन कोई आदमी उसको पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। देखिए, आज की परिस्थिति में ये आवश्यकता कि हम कोविड के इस संक्रमण के बढ़ते इसको देख करके इसको शीर्ष प्राथमिकता मिले, तो हमने शीर्ष प्राथमिकता में फोकस होकर के काम करने की इस दिशा में कोशिश की है। और मैं अभी बहुत सारे ज़िलों में प्रवास करके आया हूँ, मंडी का किया, कांगड़ा का किया, उसके बाद सोलन का किया, ऊना का किया, हमीरपुर का किया, आज बिलासपुर का भी किया, और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सभी जिला के अधिकारियों के साथ पहले भी कई बार हमने बातचीत कर ली है। लेकिन जहाँ जिस प्रकार से अब ये कोविड के मामले जो है, क्योंकि इसका स्प्रेड अब की बार इस वायरस का देख रहे हैं बहुत फास्ट है, ऐसी सूरत में हमको अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने की ज़रूरत है।
बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो सारी चीज़ को लेकर के वो भी प्लान करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में जो लोग बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 95% लोग जो कोविड के पॉजिटिव हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, उनका वहाँ पर देखभाल ठीक हो, देखभाल ठीक होने के बाद उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पर ठीक प्रकार से हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी वहाँ जाकर के उनकी मदद कर सकें, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी मदद करें, ऐसी इस सारी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो मामलों में इंक्रीज आई है, जो पूरे देशभर में भी आई, तो चिंता का विषय है कि मामले बहुत बढ़े हैं पिछले दिनों में और उसमें मृत्यु भी काफ़ी हुई है। हर रोज़ का हम देख रहे हैं, आठ दस लोगों की, कई बार 12 तक भी आंकड़ा चला जा रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में इस कोविड के संकट में ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सारी चीज़ें हमने की ही पहले, लेकिन मुझे आवश्यक लगा कि हम फील्ड में जा करके भी कुछ चीज़ों को देखें और अधिकारियों के साथ बैठ करके डिटेल में बातचीत करें, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो और जो इश्यूज़ वहाँ के हैं उनके समाधान के लिए वहीं पर हम निर्णय लें और निर्णय लेकर के आगे बढ़ें।